जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी लोगों का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में चर्चा की जाएगी टीजीएस में दिख रही जो खबरें हैं, जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स का रिजल्ट आज जारी हो सकता है, तो ये एक अपडेट ये है। बाकी बात होगी कि रोजगार में तेजी आए इसके लिए सभी आयोग में सुधार की जरूरत है। तो चैनल पर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। इस प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। जितने भी प्रतियोगी छात्र वीडियो को देख रहे हैं वो एक चीज़ को ध्यान देखें कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, कोई भी आयोग आपकी बात सुनने नहीं आएगा। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सके आपकी बातें तभी तेजी के साथ रखी जा सकती, जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करने के साथ साथ तभी आपकी ताकत जो है इस वीडियो के माध्यम से दिखेगी। इसलिए सारे प्रतियोगी छात्र, चाहे वो भर्ती चाहते हैं या परिणाम चाहते हैं या कई नई ऐसी परीक्षाएं हैं जो अभी तक नहीं हुआ, इन सब को लेकर के जो है आपका सपोर्ट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आपकी बात आगे रखी जा सकती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देख लेते हैं आज की बड़ी खबर। पहली खबर, परीक्षा के गलत प्रश्नों पर पूरे अंक देने का फैसला सेवा चयन आयोग की तरफ से। ये अनलॉक फर्स्ट लागू होने के बाद भर्तियों पर काम शुरू कर दिया। आयोग ने कंप्यूटर ऑपरेटर कनिष्ठ सहायक की भर्ती को आगे बढ़ाते हुए त्रुटिपूर्ण प्रश्नों पर पूरे अंक देने का फैसला किया। बढ़ते अगली खबर की तरफ, वहीं अगली खबर है बिहार से लेकर संजीव मुखिया ही शिक्षक भर्ती पेपर लीक का सरगना के लिए बीपीएससी की कार्यप्रणाली पर भी उठे सवाल। संजीव मुखिया जो अलग अलग स्थानों से अभ्यर्थियों को जुटा कर ले जाया गया था, हजारीबाग प्रश्न पत्र हटवाने को, सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक भी इसी गिरोह ने किया था। नीट पेपर लीक में भी संलिप्तता का शक है। यहाँ पे नीट प्रयागराज में जांच पर टिका है सालभर गैंग का सुराग। नीट में नैनी के डॉक्टर के बेटे की जगह पकड़ा गया था सालभर, डॉक्टर उसके बेटे और सालभर की कॉल डिटेल भी खंगाल रही है। यहाँ पे जो है बात हो रही नीट में अपनी जगह सालभर बैठाने वाले आरोपित प्रयागराज के राज पांडे और उसके पिता डॉक्टर आरपी पांडे के इर्द गिर्द पुलिस की जाँच घूम रही। प्रयागराज में भी सालभर गैंग का सुराग ढूंढने के लिए बिहार पुलिस सरगर्मी से जाँच में जुटी हुई है। वहीं आज से देशभर में सोमवार से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे, जिससे देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे और औपनिवेशिक काल के कानूनों का अंत हो जाएगा। मामलों के फैसले का मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर आएगा और पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। नए कानूनों में ये खास चीजें हैं, बच्चा खरीदने बेचना जघन्य अपराध माना गया। वहीं दुष्कर्म पीड़िताओं का बयान महिला पुलिस अधिकारी या अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज करेगी। मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के भीतर देनी होगी और संगठित अपराधों आतंकवाद के कृत्यों को परिभाषित किया, राजद्रोह की जगह देशद्रोह लाया गया। इस प्रकार के सुधार किए गए हैं, लेकिन किसी भी नियम को लाने के पहले जो है उस पर काफी विचार विमर्श होना चाहिए। इसको लेकर के पिटीशन भी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में भी, इस पर जो भी निर्णय होगा वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। वैसे इस नियम को लेकर के जो है काफी सुधार देखने को मिलेगा, ऐसी जो है सभी लोगों का मानना है। तो अपने काल के कानूनों का अंत हो जाएगा आज से। वहीं अगली खबर, यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से। माध्यमिक शिक्षा परिषद सचिव ने जारी की समय सारणी, 1 जुलाई से विद्यालय खुलने के साथ ही यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर 5 अगस्त तक आवेदन किया जा सकेगा। विलम्ब शुल्क के साथ 16 अगस्त तक आवेदन किया जा सकेगा। विद्यालय को फॉर्म भरने की अन्य प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी करनी होगी। अब बात कर लेते हैं PET 23 से बड़े फार्म की जो है परीक्षा कब तक हो सकती है। इस परीक्षा को लेकर के अक्टूबर माह से परीक्षा का आयोजन UPTPLSC शुरू कर सकता है। जो जानकारी निकल के UPTPLSC की कार्यप्रणाली से एग्जैक्ट ये नहीं कहा जा सकता कि अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, लेकिन पूरी संभावना है कि अक्टूबर से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे ही इधर से पिछली भर्तियों को लेकर के प्रक्रिया पूरी UPTPLSC करेगी, उसके बाद PET 23 से बड़े फार्म के एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे। वहीं जूनियर रिजल्ट को लेकर के यही है कि अगस्त के पहले यानी कि मिड अगस्त तक जो है ये परिणाम अब देखने को मिल सकता है। इतनी लेट लतीफी परिणामों को लेकर के UPTPLSC में तो समझ सकते हैं कि सदस्य कितने हैं, कार्य कैसे हो रहा है और आयोग में सुधार की जरूरत है कि नहीं है। चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सारे प्रतियोगी छात्रों के साथ यही समस्या है कि आयोग जितने भी हैं कोई भी आयोग अपने कार्यों में तेजी नहीं दिखा रहा है। जबकि आयोग की निश्चितता होनी चाहिए कि 1 साल में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए आयोग का गठन ही इसलिए किया जाता है, लेकिन आयोग यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं लगा देता है। आज के समय में रोजगार में तेजी आई इसके लिए सभी आयोग में सुधार की जरूरत, न कि सिर्फ UPTPLSC में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कहानी जो कि 1 साल से अधियाचन पड़ा हुआ LTGIC प्रवक्ता BO का, उस पर विज्ञप्ति जारी न करने को लेकर के ऐसे लग रहा है कि जो है आयोग की जिद है कि विज्ञापन नहीं जारी करेंगे, क्योंकि 1 साल से 1.5 साल होने जा रहे हैं लेकिन अभी तक विज्ञप्ति आने की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कई बार कहा गया कि जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी की जाए, अधियाचन भेजा जाए, लेकिन ढाक के 3 पात होते हैं, उस पर कोई भी निर्णय त्वरित नहीं हो पाता। ये प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ा अफसोस का विषय है कि इस पे जो है निर्णय त्वरित नहीं हो पाता। वहीं जो है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगर प्रक्रिया को देखिए, इतना भारी भरकम आयोग बना दिया गया लेकिन इसके कार्य करने की प्रक्रिया जो है ऊँट की चाल की तरह चल रहा, धीरे धीरे जो है कब तक ये कंप्लीट होगा। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो शायद ये अक्टूबर भी बीत जाएगा लेकिन पूरी तरह से काम करना शुरू नहीं कर पाएगा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। जबकि चुनाव इतने बड़े लोकतंत्र में जिसमें 140 करोड़ की आबादी का चुनाव जो होता है वो त्वरित होता है और उसका भी परिणाम भी त्वरित आ जाता है, लेकिन एक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग है जो कि अभी तक कार्य करना शुरू नहीं किया, जबकि इसमें भी 1.5 साल होने को जा रहे हैं।
2022 की विज्ञप्ति को लेकर के देखा जाए तो उसमें भी प्रक्रियाएं उसी के पड़े, TGT PGT के जो फॉर्म पड़े हैं। तो इस प्रकार से जो अगर आयोग कार्य करते रहेंगे तो प्रतियोगी छात्रों को सरकार से क्या उम्मीद रखी जाए, क्योंकि सरकार ही एक ऐसे बेंच होती है जिसके माध्यम से जो है प्रतियोगी छात्र आशा रखते हैं कि ये सरकार अच्छी करेगी, लेकिन सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो निर्णय शायद आयोग को अमल में नहीं आ रहे हैं या आयोग उसे लागू नहीं कर रहे हैं। जो भी हो, आने वाले समय में अगर तेजी देखने को नहीं मिली तो शायद प्रतियोगी छात्र भी जो अपनी बात रखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कोई भी प्रतियोगी छात्र जो है यक्ष का प्रयोग करके अपनी बात को रख सकता है, क्योंकि अपनी बात को रखने के लिए लोकतंत्र में पूरा अधिकार है, उसको जो है सही तरीके से रखा जा सकता है। बात करते हैं UPTPLSC CSO की नई विज्ञप्ति को लेकर के। आपको पहले बताया गया कि जो भी अध्याचन UPTPLSC को CSO के संदर्भ में प्राप्त हो उसकी विज्ञप्ति जारी होने को लेकर के हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो विज्ञप्ति UPTPLSC को पड़ी नहीं, वो जारी कर देगा। इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, और प्रयास करने के लिए अगर आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाता है तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो बताइए आपकी बात की मजबूती कहाँ मिलेगी। यानी जितने लोग भी अगर ये चाहते हैं कि आपकी बात पुरजोर तरीके से रखी जाए तो उसमें आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। इसीलिए जो है चैनल पर जो भी वीडियो पड़ती है इसको अधिक से अधिक अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब कि बातें अधिक लोगों तक नहीं पहुंचेगी, तो फिर आपकी बात कौन संज्ञान में लेगा। बाकी इसके लिए आपको बताया गया कि ट्विटर का प्रयोग करेंगे, अगर एक्स के माध्यम से अपनी बात को रखना है। कमेंट सेक्शन के माध्यम से मैं पूछा गया तो सिर्फ 50 से 60 लोगों का है कि CSO की विज्ञप्ति चाहिए। बताइए 1300 से 1500 लगभग इतने अध्याचन UPTPLSC में इसकी विज्ञप्ति को लेकर अगर इतने लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो इसका मतलब आयोग भी समझ रहा है कि इसमें किसी को विज्ञप्ति की जरूरत है, तो ढुलमुल रही अपनाते हुए लेट लतीफी करता रहता है। इसलिए एक संगठन के साथ अगर आप लोगों का चाहते हैं कि CSO की विज्ञप्ति समय रहते आ जाए तो इसके लिए आप लोगों कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी अधिक से अधिक बात रखो, वीडियो को अधिक अधिक शेयर करें ताकि आपकी बात को मजबूती के साथ जो है रखा जा सके। क्योंकि प्रतियोगी छात्रों के हिस्से में एक ही बात होती है, विज्ञप्ति लाना हो, रिजल्ट लाना हो, कहीं अनियमितताएं रिजल्ट को लेकर के हो रही तो उसकी बात को रखने के लिए सब कुछ प्रतियोगी छात्र को खुद ही करना पड़ता है, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। इतना सोच के ही अपने काम को करिए तभी जाके विज्ञप्ति आएगी, समय से परिणाम आएगा। क्योंकि सरकार के द्वारा शासन स्तर से शासन स्तर आयोग, आयोग से शासन, यही बातों में प्रतियोगी छात्र उलझे रहते हैं। शासन की बातों को दरकिनार आयोग कर देता है, शासन कहता है कि 3 महीने के अंदर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आयोग जो है उसको साल भर खींच के लेके चला जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रतियोगी छात्रों का ही नुकसान होता है। आने वाले समय में अगर ये सुधार देखने को मिलेगा तो बहुत अच्छा डिसीजन होगा प्रतियोगी छात्रों के लिए। अब देखते हैं कि आयोग कितनी जल्दी जो है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्य करता है, और LTGIC विज्ञप्ति कब आएगी। आज हो गई जुलाई स्टार्ट, जून में विज्ञप्ति अगर आ गई होती तो ये लगता कि शासन स्तर की बातें जो है आयोग तक के संज्ञान में आई और आयोग त्वरित निर्णय लिया। एक सिग्नेचर महज के लिए जो है LTGIC विज्ञप्ति जो है 1.5 साल से अटकी हुई है, ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य है। आने वाले समय में हो सकता है विज्ञापन एक हफ्ते में आने को जारी हो जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल।